नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सुवासिया, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर पहुंच गया हूं। ये कुरुक्षेत्र में हूं अभी, और यहां पे एक है एशिया का सबसे बड़ा ब्रह्मा कुंड, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है। तो कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध इस कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। कहते हैं कि इस क्षेत्र में आने से सब लोग जो भी यहाँ पर आते हैं तो उनके पाप धुल जाते हैं, कई मान्यताएँ इस स्थान की है। तो कुरुक्षेत्र के बारे में तो आपको वैसे सब कुछ पता ही है, महाभारत का युद्ध हुआ था। और कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कहा जाता है कि पुराने समय में कुरुक्षेत्र का युद्ध यहाँ होने का कारण बहुत बड़ा रहा। जब श्री कृष्ण जी ने युद्ध करने के लिए स्थान चूज करने को कुछ लोगों को भेजा, अपने दूत को भेजा कि जहाँ ऐसी जगह ढूंढ के आओ जहाँ पे क्रोध है और ईर्ष्या है, तो उन्होंने इस स्थान पे कुछ उनके आदमी आए थे और लोग आए थे, तो उन्होंने इस स्थान के बारे में यहाँ पे कहानियाँ सुनी थी कि एक भाई था जिन्होंने अपने खेत में अपने छोटे भाई को बाढ़ की रक्षा के लिए बोला था कि यहाँ से पानी नहीं आना चाहिए। तो उस छोटे भाई ने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं रोकूंगा और मुझे पता नहीं, उसने मना कर दिया। तो मना करने के बाद उस बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को खंजर से, छुरे से घोपकर उसकी हत्या कर दी। और ये बहुत बड़ी घटना थी क्योंकि उसने अपने भाई की हत्या कर दी। ऐसी ही कहीं एक और भाई भाई की घटनाएं इस स्थान पे हुई थी। तभी श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इस स्थान पे युद्ध करना बहुत अच्छा रहेगा, ताकि यहाँ पर जब भी युद्ध हो तो भाई भाइयों के बीच में कोई बीच में ऐसा ना हो कि युद्ध बीच में रोक दिया जाए या भी युद्ध को विराम दिया जाए, या मतलब उनके बीच में ऐसा विचार आ जाए कि युद्ध अब समाप्त कर दें या युद्ध को स्थिर रख दें। तो इसलिए इस स्थान में आते थे कोई भी लोग तो उनके मन में ऐसे ही विचार आ जाते थे। आपने ये तो सुना ही है, श्रवण का नाम तो सुना ही है। जब श्रवण ने अपने माता पिता को तीर्थ स्थान यात्रा करवाने के लिए वो लेके गए थे, तब उन्होंने अनेक जगह पे अपने माता पिता को यात्रा करवाई एवं तीर्थ स्थान करवाया। जब उन्होंने इस कुरुक्षेत्र में जब वो आए थे अपने माता पिता को तीर्थ करवाने के लिए इस स्थान पर आए थे, तो तब वो तीर्थ करवाते समय उनके मन में ऐसा विचार आया कि उन्होंने बोला कि ये आप अपने माता पिता को उन्होंने ये बोला कि आप उतर जाओ यहाँ पे और अब पैदल चलो, मैं उन्हें नहीं लेके जाऊँगा। तो उनके मन में ऐसा विचार आया, तब उनके माता पिता यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती पे पैदल चलने लग गए। वो काफ़ी परेशान हो गए, थक गए थे, तो उसी कारण से फिर उनके मन में, फिर जब वो यहाँ से इस स्थान से बाहर निकले, तब उनके मन में ऐसी बात बोलने के बाद उनको बहुत ही बुरा लगा। और उनको मतलब उन्होंने फिर कहा कि अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो। फिर उनके पिताजी ने ये बताया कि तेरी गलती नहीं है, क्योंकि ये स्थान ही ऐसा है और यहाँ पर केवल ईर्ष्या की भावना है और लोग बड़े ही क्रोध भाव से रहते हैं, क्योंकि इस स्थान के बारे में कई क्रोध की कथाएँ हैं, कई लोगों की सच्ची घटनाएँ हैं। इसी कारण से तब उनको पता चला कि ये स्थान ही ऐसा है, और इसी कारण से महाभारत का युद्ध भी कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था। तो अब ये कुरुक्षेत्र का एक ब्रह्मा घाट है, उसका आपको नज़ारा दिखाएंगे। ये देखिए ब्रह्मा घाट का नज़ारा आपको दिखाया जा रहा है। काफ़ी बड़ा एशिया का सबसे बड़ा ब्रह्मा घाट है ये, और बहुत ही खूबसूरत है। दूर दूर से इस स्थान पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं और अपने पापों को मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं। ये आप देख सकते हैं, अभी यात्री आए हुए हैं सुजानगढ़ से, और जो यात्री में 5 साल से लेकर 90 साल तक के यात्री है। हाँ, यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम जचा है। 3 दिन का प्रोग्राम था, हरिद्वार, ऋषिकेश और कुरुक्षेत्र और 2 जॉन्टी बालाजी, 4। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत अच्छी मतलब खातिरदारी हुई सबके लिए। और अंकल, इस कुरुक्षेत्र के बारे में थोड़ा आप बता सकते हो इस स्थान के बारे में? कुरुक्षेत्र महाभारत के टाइम से क्या है, जब युद्ध हुआ था ना, तो उसका स्थान यही था। यहाँ पे है ना, केरुओं में 100 केरु मारे गए थे, और कृष्ण भगवान और 5 पांडव ये सब मिला के यहाँ पे युद्ध हुआ था, और वहाँ तक कि वो अभी तक चल रहा है इसे। तो ये अंकल ने बताया इनको जितनी जानकारी थी इस स्थान के बारे में, और भी कई मान्यताएं हैं। और अंकल जी, यहाँ पे इस स्थान पे आए हो, और अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत मतलब सुकून लग रहा है। जैसे हमें
मतलब सत्यु वो बोलते हैं ना, अच्छे शकुन कर रहे हैं, बहुत खुश है। तो ये देखिए इनके विचार, और भी हम भक्तों से मिलाएंगे और इस स्थान के बारे में जानेंगे। ये देखिए भक्त सभी स्नान कर रहे हैं और भैया से पूछेंगे, भैया यहाँ पर आए हो, आपको अभी कैसा लग रहा है? बस नहाया, मस्त लग रहा है। और इस स्थान के बारे में, इस सरोवर के बारे में आपको क्या कुछ जानकारी है? इसके बारे में आप देखेंगे, आए हैं फर्स्ट टाइम, आए देख रहे हैं कैसी भूमि है यहाँ, पूर्वों का क्षेत्र बताया जा रहा है। और इस घाट को देखकर आपको कैसा महसूस अच्छा हो रहा है? काफ़ी बड़ा घाट है ना? बहुत बड़ा घाट है ये देखिए। और भी हम लोगों से मिलाएंगे और बात करेंगे इस स्थान के बारे में। ये बारह सौ बीघा का मान है। ये देखिए अंकल जी बता रहे हैं 1200 बीघों में, मतलब काफ़ी बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा घाट है। ये देखिए माता जी भी है, माता जी से जानेंगे, यहाँ पर आए हो, आपको अभी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और आपने इस स्थान के, इस यहाँ पे स्नान कर लिया अभी? बहुत बहुत बढ़िया तरीके से स्नान कर लिया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और इस कुरुक्षेत्र के बारे में आप कुछ बता सकते हो, यहाँ की क्या मान्यताएं हैं, यहाँ की क्या कहानी है? कौरव पांडव के बारे में माता जी को जितना पता था उन्होंने बताया, और काफ़ी खूबसूरत दृश्य यहाँ पे अब लोगों को देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। ये आप देख सकते हो, मेरे पीछे देख सकते हो, लोग सरोवर में स्नान कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा स्थान है, काफ़ी खूबसूरती है यहाँ पर देखने के लिए, तो बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है, देख सकते हैं आप। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग स्नान कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए सरोवर में लोग दूर दूर से इस पवित्र स्थान पर स्नान करने के लिए आते हैं, और काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है। ये देखिए अभी सुजानगढ़ से लोग आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा स्थान है, ये आप देख सकते हैं सरोवर में स्नान करते हुए लोग बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, और बहुत ही स्थान है ये देखिए, काफ़ी अच्छा इंजॉय करते हुए वाटर में। ब्रह्मा घाट का आपको नज़ारा दिखाया जा रहा है, चारों तरफ से आसपास का वातावरण खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए माता जी ने अभी स्नान कर लिया है और यहाँ पे खड़े हैं, और जाने के थोड़े इस स्थान पर माता जी यहाँ पे आए हो आप अभी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। और इस ब्रह्मांड घाट के बारे में आप क्या जानते हो? अब तो जाना बहुत बढ़िया है। और आपने यहाँ पे स्नान कर लिया? हाँ स्नान कर लिया, बहुत बढ़िया बढ़िया है। कहाँ से आए हो आप? सुजानगढ़ से, संग भी बढ़िया है, बहुत अच्छे आदमी। और भैया आप भी बताइए। बोलिए कौन? सॉरी। ये देखिए खुश नज़र आ रहे हैं, सब ने स्नान कर लिया और काफ़ी अच्छा यहाँ पे दृश्य देखने को मिल रहा है। ये देखिए चारों तरफ से लोग इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं पानी के अंदर, और बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए फ़ोटो में भी आनंद उठा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए लोग पानी में स्नान करने के बाद में सेल्फी भी ली जा रही है और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये देख सकते हैं सरोवर में लोग इंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए सरोवर में स्नान करने का आनंद उठाया जा रहा है, और सब लोग बड़ी खुशी के साथ आनंद उठा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है इनको, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी लोग, काफ़ी खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। सरोवर में आनंद उठाया जा रहा है। अब थोड़ी देर में मैं भी इस ब्रह्मा घाट में स्नान करूंगा दोस्तों, और आगे चल के और भी खूबसूरत दृश्य आपको दिखाएंगे, लगातार बने रहिए चैनल के माध्यम से।